हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवी एकेडमी। वीडियो नंबर 239, सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 12 आज हम यहां पे ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। जब किसी भी बिजनेस फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि अब जो भी बातें पहले तय हुई थी उससे कुछ डिफरेंट डिसीजन लिए जाएंगे, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो प्रीवियस पार्टनरशिप फॉर्म थी उसके रिलेटेड अभी काफी सारे चेंजेस नई पार्टनरशिप फॉर्म में आएंगे, जो सब हमने वन बाय वन समझ लिए और सीख लिए हैं। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। नया पार्टनर आता है वो अपने साथ अपने हिस्से की कैपिटल तो लाता है, पर उसके रिलेटेड एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं उनकी कैपिटल में भी कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। ये सब एडजस्टमेंट क्यों, कैसे, इन सब का आंसर है आज का यह वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी स्टूडेंट्स को शिव एकेडमी की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर से शिव एकेडमी की चैनल पर से अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस पॉइंट टू पॉइंट थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली हमने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। इतना ही नहीं, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर से आपको बेस्ट एंड बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सो भूलिएगा मत, तुरंत सब्सक्राइब कर। कैपिटल एडजस्टमेंट इन एडमिशन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कैपिटल रीअरेंजमेंट्स आर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनर्स डिसीजन। यस, एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड नया पार्टनर वो सब मिलकर तय करते हैं कि किस तरह से हम कैपिटल का रीअरेंजमेंट्स करेंगे और साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। द कैपिटल रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन दिस वे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स टुवर्ड्स द कैपिटल इज रीअरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसके मुताबिक कैपिटल्स होती है, जनरली ऐसा ही होता है। या तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है उसी तरह से प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो भी होता है। तो अब जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय होता है तो उसके मुताबिक कैपिटल का रीअरेंजमेंट होता है। अब जो ओल्ड पार्टनर्स है उसकी तो कैपिटल फॉर्म में कुछ ना कुछ तो होगी ही। हाँ, नए पार्टनर को कितनी लानी है वो सब हमें देखना होता है, और जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल में अब हमें एडजस्टमेंट करना होता है, यानी कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय होता है आने वाले फ्यूचर में जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे उसके मुताबिक कैपिटल को पहले तय करते हैं। अब एग्जिस्टिंग जो कैपिटल होती है वो अगर ज्यादा है तो पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपनी जो भी ज्यादा अमाउंट है वो लेके जाएगा, और अगर कम है यानी कि शॉर्टफॉल है तो वो लाके देगा। इस तरह से रीअरेंजमेंट, इस तरह से एडजस्टमेंट होता है। फॉर दिस द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी फर्स्ट एडजस्टेड विद द गुडविल रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एडजस्ट द पास्ट प्रॉफिट्स इफ एनी। यस, गुडविल रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, उन सभी के रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होते हैं उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डालते हैं, और उसमें जो प्रॉफिट या लॉस अकर होता है उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। उसके अलावा अगर पास प्रॉफिट या पास लॉस होता है तो उसको भी एडजस्ट करना होता है। उसके बाद कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे, जिसमें भी ये दो टाइप्स है। पार्टनर जो नया है उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बेसिस पर भी की जाती है, या तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर भी कैलकुलेशन की जाती है। अब इस दोनों टाइप से या दोनों में से एक हम चुन के डिसाइड करके कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हम कैपिटल को रीएडजस्ट करते हैं।
जो नया पार्टनर है उसके अकाउंट में तो रीएडजस्टमेंट का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो अभी अकाउंट में कैपिटल के तौर पर अमाउंट लाने वाला है। एडजस्टमेंट किसका करना है? ओल्ड पार्टनर्स का, मतलब कि जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल तय हुई है उसमें अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है तो पार्टनर को दी जाएगी, और अगर कम है तो पार्टनर के पास से ली जाएगी। अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल लेकर हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे एक मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिया है जिसमें अलग अलग सभी टॉपिक्स को मैंने इंक्लूड कर लिया है, और इन टॉपिक के रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है, जो भी वर्किंग नोट्स है या जो भी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स होगी वो मैं समझा दूंगी। आप मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करते जाइए, साथ साथ कैलकुलेट करते जाइए और हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से डिटेल में समझते जाइए, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, उसमें इनमें से कोई भी पॉइंट्स के रिलेटेड कैलकुलेशन या कोई भी डिटेल्स आपको पूछी जा सकती है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियरेंस है, एक्यूरेसी और स्पीड के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हो तो एमसीक्यू में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसीलिए मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन चूज किया है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। हाँ, थोड़ा पेशेंस जरूर रखिएगा क्योंकि वन बाय वन पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी दो पार्टनर्स है जिसके रेशियो है 3:2। जैसे कि मेरी आदत है, मैं किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक कर करके, क्वेश्चन को एनालाइज करके पहले तो क्वेश्चन को ही समझाती हूँ, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन अच्छी तरह से समझते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बहुत ही जल्द और बहुत ही परफेक्ट होता है। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:3। द बैलेंस शीट, अब ए बी दो पार्टनर्स है, उनके ओल्ड रेशियो थे 3:2। अब सी को उसने एडमिट कर दिया, तीनों का नया रेशियो डिसाइड कर दिया 4:3:3। तो सबसे पहले हमारे पास जब ये दो इन्फॉर्मेशन आती है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बैलेंस शीट हमको दी गई है जिसमें ए एंड बी की कैपिटल लायबिलिटी की साइड पर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जिसको हम शॉर्ट में WCRP कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जिसको हम IFRB कह सकते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और सीस लोन, इतनी मैटर्स, इतनी इंफॉर्मेशन लायबिलिटी के साइड पर है। अब एसेट के साइड पर देखें तो गुडविल है 34,000। जैसे कि हम सबको पता है गुडविल की जो एग्जिस्टिंग अमाउंट होती है वो ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दी जाएंगी। जब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तभी हमें ये सब बातें समझ लेनी चाहिए, अपने दिमाग में सेट कर लेनी चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग दी गई है, इन्वेस्टमेंट हमको दिया गया है 50,000 जिसकी मार्केट वैल्यू 45,000 है। यहाँ पर जैसे ही इंफॉर्मेशन रीड करेंगे तभी हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि अब हमें जो नई बैलेंस शीट बनानी है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट डालना है 45,000। और एक बात ध्यान में रहे, 45,000 हम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे यानी कि कम डालेंगे, 5,000 वैल्यूएशन कम हो गई, तो अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो डालना ही होगा, पर इसके साथ यहाँ पे हमको जो रिजर्व दिया गया है उसमें से 5,000 कट हो जाएंगे। देखिए, अगर सभी पॉइंट्स को इस तरह से हम डिटेल में समझ लेंगे तो सॉल्यूशन हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा और एमसीक्यू रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के आंसर को हम फटाफट सॉल्व कर देंगे। डेप्टर्स दिए गए हैं हमको 90,000, स्टॉक दिया गया है 3,00,000, बैंक बैलेंस 2,50,000, एडवर्टाइजिंगमेंट सस्पेंस अकाउंट हमको दिया गया है 10,000। अब हम आते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन ऊपर। जब सी एडमिट हुआ तब हमें अलग से जो भी टर्म्स दी गई उसको हम स्टडी करते हैं। सी कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल यानी कि इन सब एडजस्टमेंट के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए एंड बी उसकी जो कैपिटल होगी उसके प्रपोर्शन में सी कैपिटल लेकर आएगा, एंड 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन केस गुडविल की जो अमाउंट तय होगी उसमें से पहले तो उसका शेयर निकालना होगा और उसमें से भी 60% वो केस में लेकर आएगा।
सेकंड पॉइंट है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट करें ये अगर आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी चैनल पर जाइए, गुडविल वाला प्लेलिस्ट निकालिए और उसे अच्छी तरह से स्टडी कीजिए ताकि ये जो मेथड आप भुला चुके हैं उसे आप रिवाइज कर सके। ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमको तीनों ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है। द नॉर्मल प्रॉफिट इज 5,30,000 विद सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन सिमिलर इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 1,00,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अंडर वैल्यू बताई गई है, मतलब अब हमें उसकी वैल्यू बढ़ानी है। फोर्थ पॉइंट, स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 31,000। स्टॉक की वैल्यू हमें 31,000 ओवर वैल्यू दिखाई है, मतलब अब नई बैलेंस शीट में हमें उसकी वैल्यू घटानी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेब्टर्स। यस, यहाँ पे हमें डेब्टर की वैल्यू दी गई है 1,00,000 और उसका प्रोविजन दिया गया है 10,000, यानी कि अब तक हम प्रोविजन करते थे 10% डेब्टर्स की, जो भी अमाउंट थी उसको हम 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रखते थे, पर अब हमें 5% ही रखने हैं, यानी कि अब हमें 5,000 ही रखने हैं। ये बात क्वेश्चन रीड करते वक्त ही हमें अपने माइंड में सेट करनी है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 11,000। हमें यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया गया है 20,000, अब उसके रिलेटेड क्लेम आ गया है 11,000, तो इसकी भी इफेक्ट हमें अगली जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें डालनी होगी। इसके रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस हमारी चैनल पर अवेलेबल है, सो अगेन मैं कह रही हूँ इन सभी वीडियोस को वन बाय वन रिवाइज करें ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने वर्किंग नोट डाली है। जनरली हम सब देखते हैं अपनी बुक्स में सॉल्यूशन के बाद वर्किंग नोट्स होती है, पर वर्किंग नोट बनाते हैं तभी हमें कैलकुलेशन का पता चलता है और जो अमाउंट्स हमें डालनी है अलग अलग अकाउंट्स में उसका भी पता चलता है। तो पहली वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। यस, जो ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस है उसका कैलकुलेशन, तो वो तो हम सभी को पता है कैसे करते हैं, क्योंकि सारे इन टॉपिक्स की डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। तो अब सेक्रीफाइस रेशियो आता है ए एंड बी का 2:1। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो एवरेज प्रॉफिट है वो हम निकालते हैं तो 9,30,000 आता है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आता है हमारा 4,00,000। गुडविल की वैल्यू 4,00,000 × 2, यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमको दिया गया है वो 2 है, तो गुडविल की अमाउंट आती है 8,00,000। याद रहे ये गुडविल की अमाउंट फॉर्म की टोटल अमाउंट है। तो उसमें से सी का सेल, हम जो ए बी और सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय हुआ है वो है 4:3:3, यानी कि यहाँ पे जो सी का सेल होगा वो 3/10 होगा, तो उसकी जो गुडविल की वैल्यूएशन होगी वो होगी 2,40,000, यानी कि सी को एडमिट होने के लिए 2,40,000 गुडविल के तौर पर पे करने होंगे। पर जैसे कि हमको इन्फॉर्मेशन में दिया है कि वो 60% ही लेकर आता है केस में, तो 2,40,000 का 60% होता है 1,44,000, वो आएगा केस में, और बाकी की अमाउंट, तो बाकी की अमाउंट उसके करंट अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। अब कैपिटल ऑफ सी का कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ए एंड बी की कंबाइंड कैपिटल अभी हमारे हाथ में नहीं है। सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें ए एंड बी की कंबाइंड कैपिटल मिलेगी और उसके प्रपोर्शन में हमें सी की कैपिटल तय करनी है, सो इसको अभी हम बाकी रखते हैं। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया गया है जिसमें इंफॉर्मेशन के मुताबिक सभी एंट्रीज हमें डालनी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को कहा गया है 1,00,000 अंडर वैल्यू है, यानी कि हमें 1,00,000 बढ़ानी है, सो वो हमें क्रेडिट करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में 5,000 कैसे क्रेडिट हुआ ये हमने क्वेश्चन के वक्त ही समझा दिया है, वैसे ही स्टॉक की बात भी हमने कर ली है।
तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उसका प्रॉफिट आता है 74,000, जो हम ए एंड बी के कैपिटल अकाउंट में 3:2 में ट्रांसफर करेंगे। अब देखते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। ए बी और सी हमने ड्रॉ कर लिया है, अभी हम सी में कुछ नहीं डालते हैं क्योंकि सी की जो बैंक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उसमें जो बैंक रिलेटेड एंट्री है वो अभी कैलकुलेट करनी बाकी है। पहले हम ए और बी का ही देखेंगे। तो जो बैलेंस हमको बैलेंस शीट में दी गई है, इस बैलेंस को हमने यहाँ पर डाल दिया है और हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट करी थी सी की गुडविल 1,44,000, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सी के करंट अकाउंट से जो भी गुडविल की अमाउंट बाकी है उसको भी हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। उसके साथ साथ ये जो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसको भी यहाँ पे हमने डाल दिया है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसमें हमने देखा कि 20,000 का था और 11,000 का क्लेम है, तो बाकी बचा 9,000, तो जिसकी एंट्री भी यहाँ पे कर दी है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट, जिसकी बात भी हो गई कि 44,000 अब इन्वेस्टमेंट दिखाने हैं जो थे 50,000 के, यानी कि 5,000 कम हुआ हमारा, पर वो 5,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमको दिए गए हैं, उसमें से ये 5,000 कट होंगे। मतलब अब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट होगी वो होगी 5,000, जिसको हमने यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालनी है। अब जो गुडविल की अमाउंट थी उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो था उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करते हैं तो उन दोनों की बैलेंस ये जो आती है वो अब हमें नई बैलेंस शीट में डालनी होगी। अब देखते हैं हम बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे हमारी बैंक बैलेंस दी गई है 2,50,000, तो ये बैलेंस हमने 2,50,000 डाल दी है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो सी लेके आया है 1,44,000 वो भी हमने डाल दिया है। अब ये सीज कैपिटल वाली अमाउंट है वो भी हमने डालनी नहीं है क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, जो अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं सी की कैपिटल। ए एंड बी दोनों की कैपिटल हमारे पास आ गई, दोनों के कैपिटल अकाउंट में ये जो हमने बना दिया उसमें से ये दोनों की कैपिटल हमारे पास आ गई, तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास कंबाइंड कैपिटल हुई 7,40,000। अब सी प्रपोर्शनेट अमाउंट लाता है, यानी कि अगर हमारे पास ए एंड बी की कंबाइंड कैपिटल है, यानी कि टोटल कंबाइंड रेशियो हुआ 7, तो 7/10 जब रेशियो होता है तब कैपिटल 7,40,000 होती है। तो अगर सी का रेशियो होता है 3/10 तो कितनी कैपिटल लानी होगी, इस तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल आती है 3,06,000, जिसको अब हम यहाँ पे डालेंगे और उसकी बैलेंस हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे और अब ये कैपिटल की एंट्री यहाँ पे हम डाल देंगे। तो हमारा बैंक अकाउंट की एंट्री आ गई 7,00,000, यानी कि हमारी बैंक बैलेंस है अब 7,00,000। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ये रही हमारी बैलेंस शीट। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमको दिया गया है 60,000 प्लस इन्फॉर्मेशन में हमें 1,00,000 बढ़ाने को कहा गया है, सो हमने बढ़ा दी। बैंक अकाउंट हमारा 7,00,000 आ गया। इन्वेस्टमेंट जैसे हमको कहा गया था उस तरह से, स्टॉक भी उसी तरह से। शी की करंट अकाउंट की बाकी अमाउंट है 96,000। डेप्टर्स 1,00,000 दिए थे, उसमें से प्रोविजन 5,000 का था, मतलब 95,000 हमने ले लिया। वर्कमैन कंपेंसेशन हमारे पास 11,000 है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 34,000। सी की लोन एज इट इज 3,00,000 और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हमने यहाँ पे डाल दी है। तो बैलेंस शीट का हमारा टोटल आ गया 13,65,000, जो कि मैच हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ
यहाँ पे आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 240 की, जो होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 13। When new partner has to bring capital on the basis of combined capitals of old partners. Practical life में भी ये topic काफी interesting है, काफी important है। इसे समझना, इसके related calculation को समझना, जो भी theoretical aspects उसके साथ connected है, उसे भी हमें समझना है, ताकि MCQ में हम अच्छा score कर सकें। तो इसके लिए stay tuned with Civ Academy। Thank you।